अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आकिब अली। तो अभी हम उठे थे, तो अभी सुबह का टाइम हुआ है, 10-11 बज रहे हैं। बट अभी नाश्ते के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलते हैं जाके पहले नाश्ते के लिए कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि चिकन पड़ा हुआ था रूम में। तो मैंने कहा चलो आज कढ़ाई बनाई जाए, क्योंकि नाश्ता तो अब नहीं होगा, अब खाने का टाइम हो जाएगा जब तक हम हमारे खाना। तो अभी तो मौसम भी आ जाए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है, आज तो हवा चल रही है अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा, नहीं तो पिछले दो दिन तो काफ़ी गर्मी पड़ी है। तो अभी तो मौसम ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं दुकान पर, सामान लाते हैं, तो थोड़ा सा एक सामान वगैरह लेके आते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बनाते हैं, मेकिंग दिखाते हैं आपको कैसे क्या बनाएंगे हम। बाकी ये कि प्रदेश की लाइफ बस गुजर रही है यार, ऑफिस की जैसी भी है गुजारनी है, एक मीठी कैद है। तो निकले आज, पता नहीं है पानी आज किधर से आ गया, से यहाँ पे होता तो नहीं है मेरे ख्याल से, मुमन शायद बारिश हुई है या शायद मेरे ख्याल से ये हॉल है ना, ये शायद ये हॉल वगैरह क्लीन किया है। हमारे शादी हाल तो वहाँ पर कैसे होते हैं, यहाँ के शादी हाल देखें आप कैसे हैं। हम लोग अपने जायदाद पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लोग इतनी केयर नहीं करते, मतलब टाइम गुजार चाह रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं माशाल्लाह, धूप तो आज काफ़ी है, और ये देख रहे हैं पीछे हमारे पुराने ज़माने के तंदूर वगैरह अभी तक यहाँ पे मेकिंग होती है इनकी, बनाते हैं लोग खुद, हैंडमेड है सारा कुछ। ये फैक्ट्री है पूरी इस जगह पर ना, ये पूरी फैक्ट्री है इस जगह पर। तो आज गर्मी भी है यार, अभी उस थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है मौसम फ़िलहाल। तो बाकी आगे देखते हैं दिन को क्या पता, ड्यूटी भी है, 2 बजे ड्यूटी भी। तो सामने शॉप आ गई है, शॉप पे जाते हैं सामान वगैरह लेते हैं, चिकन हमारे पास पड़ा, बाकी थोड़ा सा सामान वगैरह लेते हैं। कोल्ड स्टोर आ गया, ये हमारा बंगाली भाई, और वो सामान लेते हैं जैसे इन शाह बनाते हैं अपना खाना, खाना खाना बनाएंगे। कैसा भैया? अच्छा है, देखो देखो। अच्छा इधर भैया सामान लेकर सूट जाएगा लोगों के लिए, बाकी सामान हमारा पड़ा हुआ था रूम में, टमाटर प्याज वगैरह, तो बस अभी लेकर हम जाएगा रूम में। खाना बनाने से सबसे पहले जो जरूरी काम होता है ना, वो है बर्तन धोना। तो हमारे बर्तन नहीं धुले, सबसे पहले बर्तन धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, बर्तन धो के इन शाला बाकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कैंप है, आपको बता दें, चलो देसी जुगाड़ देखें। बर्तन वगैरह हमने वॉश कर लिए थे, तो मैंने फ्राई पैन, तो हमारे पास कढ़ाई तो नहीं थी, अपने फ्राई पैन पे गुजारा करना था, फ्राई पैन पे ऑयल वगैरह डाल के चिकन वगैरह डाल दिया, ऑयल इसलिए ज़्यादा क्योंकि अभी चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो मैं चिकन को फ्राई कर रहा था, इसी बीच में मुझे बाइक की कॉल आ गई, तो मैं उनको कॉल सुन रहा था, तो मेरा चिकन जो है वो ज़्यादा ओवर कुकड हो गया, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा ऑयल निकाला इसमें अंदर से, फिर हमने टमाटर वगैरह कटिंग की है इसमें से, 8 से 10 पीस लिए हमने, वो हमने कटिंग करके बीच में डाले, उसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे। कवर करने के बाद इसको 5 मिनट हमने इसको बस कवर रखा, जब तक इसको टमाटर का छिलका ऊपर से नरम हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि फिर हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जैसे टमाटर का छिलका हमने उतार लिया था, अब इसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम अच्छे तरीके से अब इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, जो हम थोड़ा डालना हमने फिर तब थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया पाउडर वगैरह लिया, और नमक हसबे जायका जो हमने वो डाला, उसके बाद हम थोड़ा दही से दही डाला, दही डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, तो कहता है कि दही पक जाए, दही की जो स्मेल है, कच्चापन ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, जो कि खाने के लिए बिल्कुल अभी तैयार है, बस इसको थोड़े से पका के उसके बाद फिर चलो हम खाना खाएंगे। अभी तैयार हो गया, बस में फाइनल लुक देंगे, जो हांडी की जान होती है उसमें धनिया वगैरह डालेंगे, अदरक वगैरह हम डाल लेंगे इसमें, अदरक वगैरह डालने के बाद हम इसको, ये हमारी अभी माशाल्लाह कढ़ाई तैयार हो गई है। देखिए आप बताएं कैसी बनी है, रेसिपी वगैरह मैं डिटेल में अभी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो सुबह शेयर करूँगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो लोग मेरे चैनल पर जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।